समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद कर्दम ने आगरा लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। पार्टी शहर अध्यक्ष के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे सपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा भी किया। अपने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद समाजवादी पार्टी के आगरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी सुरेश चंद कर्दम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता त्रस्त है, इसलिए इस बार वे चुनाव जीतने जा रहे हैं। जनता के बेचारी जनता त्रस्त है, जनता को झूठे आश्वासन 10 साल से झेल रही है। ना तो किसी को नौकरी मिली, ना किसी को टैक्स इतना बढ़ा दिया कि व्यापार बिल्कुल चल नहीं पा रहा है। और जब से सरकार आई है कोई भी आदमी बेचारा पनप नहीं पाया है। ये 10 साल से वादा करते चले आ रहे हैं, ना तो के साहब गंगा साफ हो रही है, कभी का कहते हैं जमुना साफ हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। जो आदमी गरीब आदमी बेचारा बीमारी की उसमें जाता है अस्पतालों में, उसको दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, गरीब आदमी को शिक्षा नहीं मिलती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जो गरीब आदमी को शिक्षा नहीं मिल पा रही, वो बढ़ेगा कैसे आगे। कांग्रेस सपा प्रत्याशी सुरेश चंद कर्दम का नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे सपा महानगर अध्यक्ष ने पार्टी प्रत्याशी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी राज में आम जनता महंगाई और भ्रष्टाचार की मार से त्रस्त है, इस बार जनता जवाब देने जा रही है। पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी का एक एक नेता कार्यकर्ता और जनता इस चुनाव को लड़ाने का काम कर रही है। हमारे राज्यसभा सांसद सुमन जी हों, प्रत्याशी हैं, हमारे कर्दम साहब पूरा शहर का संगठन है, जिले का हमारा इदनाथपुर और एटा विधानसभा, एटा जिले की विधानसभा जलेसर हमारे लोकसभा क्षेत्र में, सभी जगह बूथ से लेके हमारे सेक्टर प्रभारी से लेके जोन प्रभारी तक सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये इलेक्शन जनता लड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ी है, डीजल, पेट्रोल, दाल, चावल, आटा, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, बेरोजगार हमारे नौजवान साथी हो, डिग्री लेकर रोडों पर डोल रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, तो ये सब परेशानी एजुकेशन के नाम पे जिस तरीके से ठगा जा रहा है। विधानसभा चुनाव में आपके प्रत्याशी नंबर 3 से 70 नंबर 2 आए, हाँ, तो इस बार हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। कैसे आएंगे? विधानसभा में हम 2 पे आए थे ना, इस लोकसभा में हम नंबर 1 पे आ जाएंगे। अभी तक नहीं दिख रहे हो आप। नहीं, तो हमारे देखने से नहीं होता, ये जनता दिखाएगी, आने वाला समय दिखाएगा। आगरा लोकसभा सीट का विस्तार जलेसर तक है। आगरा छावनी, आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, एतमादपुर और जलेसर विधानसभा क्षेत्र तक इस सीट का भूगोल है। सामाजिक समीकरण के हिसाब से ये सीट दलित, मुस्लिम और वैश्य बहुल मानी जाती है। इस सीट पर यादव, पाल, बघेल, क्षत्रिय मतदाता भी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। 20,64,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर वर्ष 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, लेकिन परसीमन में जब इस सीट का भूगोल बदला तो पिछले 3 चुनाव से यहां कमल ही खिला है और कमल का पीछा किया है हाथी सवार ने। बावजूद इसके हाथी सवार भी कमल के उम्मीदवार को पीछे छोड़ने में नाकाम रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का हाथ पकड़कर साइकिल सवार सुरेश चंद कर्दम कितनी तगड़ी चुनौती मौजूदा सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और बसपा की उम्मीदवार पूजा अमरोही जाटव के समक्ष पेश करते हैं। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।